दिवाली आने वाली है, जैसे आपने पहले भी कहा कि ये टाइम है कि आपको एक बहाना मिल जाता है कि एक ज्वेलरी पीस पिकअप करने का, तो यहाँ पहनने के लिए बहाने ही चाहिए होते हैं। आज बर्थडे है, अब दिवाली है, आई थिंक फेस्टिव सीजन पे, मतलब जब एंड दिवाली स्पेशली विच इज द कलर ऑफ लाइट्स एंड यू नो एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, सो आई थिंक डायमंड उस दिवाली के दिए में स्पार्कल करेगा तो और अच्छा लगेगा। वैसे तो आपने पहन रखे हैं काफी अच्छे पीसेस पहन रखे हैं, आई मस्ट टेल यू दैट आई एम लिटिल जेलस राइट नाउ। यू शुड बी, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक योर एक्सप्रेशन, यू शुड नो वे, आई हैव कॉल्ड माय ड्राइवर ओवर देयर, जैसे ही खत्म होगा मैं भाग के जाऊंगी। पर यहाँ अगर कुछ और पीसेस हैं, अगर आपको दिवाली के लिए कुछ और अगर आपको उठाना हो तो यू वुड पिक अप अ रिंग और देयर पेंडेंट्स। रिंग, आई लव द प्रिंसेस कर, आई थिंक, आई मीन आई जस्ट पर्सनली आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देन देयर इज वन ब्यूटीफुल पीस ओवर देयर व्हिच इज नाइस एंड बिग, I think अगर जुली उठानी है तो यू शुड पिक अप लाइक अ रियली नाइस बिग चंकी पीस एंड अ नाइस चंकी नेकलेस, लुक्स वेरी वेरी नाइस। यू कैन इवन जैज अप लाइक अ नाइस वेस्टर्न आउटफिट और अ ड्रेस विद अ नाइस चंकी चोकर और लाइक अ नाइस नेक पीस। ऐसा लग रहा है आपने पूरी तैयारी कर ली कि इस दिवाली जहाँ जहाँ आपने डिसाइड कर लिया क्या पहनने वाली क्या है। जिस जिसको अपने घर पर दिवाली का इन्विटेशन दिया बोला है कि प्लीज ज्वेलरी लेके आना वरना मत आना। वैसे आप कितनी फिनिकी हैं ज्वेलरी को लेकर, लाइक यू नो इफ यू हैव टू पिक अप, इफ यू हैव टू सेलेक्ट, कितनी फिनिकी है, क्या क्या यू कीप इन माइंड कि कैसा होना चाहिए क्या होना। वेल आई एम अ बिग रिंग पर्सन एंड अ बिग इयररिंग पर्सन, आई थिंक अगर आप इयररिंग्स पहनते हैं तो आपका पूरा लुक यू नो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। आई लाइक आई यूज माई हैंड्स अ लॉट, सो ऑलवेज फील कि कुछ तो एक अच्छा सा सॉलिड कुछ होना चाहिए कि मतलब नहीं, वो मुझे खुद ही अच्छा लगता है तो मैं खुद ही अपने हाथों को ऐसे हिला हिला के दिखती रहती हूँ, वाओ सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, कैमरे में बहुत अच्छे से कैद हो। तो अब हम खुदा हाफिज़ नहीं, दिवाली की अगर खास कर बात करें, बॉलीवुड में काफ़ी पार्टीज़ होती हैं और यू नो यहाँ जाना वहाँ जाना डिनर्स पर जाना, तो इस साल कहाँ कहाँ जाने वाले, कहाँ कहाँ बाजी मारने वाली हैं आप, कार्ड्स तो आप ताश तो पार्टीज़ बहुत होती हैं। नहीं यार, मतलब आई कार्ड जो होता है वो दिवाली पे ही खेला जाता है एंड आई थिंक हम लोग तो मतलब आई डोंट माइंड प्लेइंग फॉर 5-5 रुपीज आल्सो, इट्स नॉट 5 रुपीज, या इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स जस्ट विद फ्रेंड्स यू से इट एंड लाइक यू नो हाउ यू सॉर्ट ऑफ ब्लफ एंड यू डू ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स वेरी सिली बट इट्स वेरी वेरी स्वीट, सो आई एंजॉय दैट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज दिवाली में दिल्ली में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं and I miss my family and I miss my friends I've grown up with in school and college, so now that I've moved to Bombay I've made this whole circle over here, so it's a time when everyone sort of takes out some time and for those 3-4 days during that Diwali week we just go to each other's houses and you know exchange gifts and eat a lot of mithai which is not good but yeah we do that. दिवाली की बात करूं, अगर दिल्ली की बात करूं तो कैसी होती है दिवाली, कुछ अगर खास दिवाली है अगर आपको याद है वो तो आपको दिल्ली चलना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। आई डोंट माइंड कमिंग विद, इट्स क्वाइट समथिंग बिकॉज यू नो ऑल्सो इन दिल्ली वी हैव ह्यूज हाउसेज एंड आई मीन बिकॉज आई ग्रोन अप फ्रॉम देयर एटलीस्ट, सो आई थिंक ऑल माई वेरी वेरी फॉन्ड मेमरीज आर फ्रॉम देयर एंड हम लोग रात रात भर मतलब इट्स लाइक वन डे इट्स एट माई हाउस एंड आई गो टू अ फ्रेंड्स प्लेस एंड वी स्टे ओवर एंड देन यू नो सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ सीन। अगर आखिरी चीज़ इसमें से कुछ अगर अपने ही बॉलीवुड के कोई खास फ्रेंड के लिए किसी को गिफ्ट करना हो, अगर अंगूठी या पेंडेंट या ये नेक पीस ही, तो सारा कुछ कर दूंगी ना भाई, ये घर में ही आ जाएगा सबका। भाई नहीं, अगर कोई और फ्रेंड है कोई बॉलीवुड फ्रेंड, नहीं लड़की भी हो सकती, लड़की भी हो सकती है। नहीं यार ये बहुत सुंदर है, आई डोंट वांट टू गिव इट टू एनीबॉडी, व्हाई शुड आई गिव इट टू एनीवन, आई एम सॉरी बट आई विल कीप ऑल ऑफ इट फॉर माय सेल्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।